महादेव। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो है इसके ऊपर। तो अगर आप भी ऐसा बकेट अपने घर में यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा, चाहे आप कितना भी ब्रांडेड अच्छी से अच्छी कंपनी का बकेट यूज़ कर लो या लोकल कंपनी का बकेट यूज़ कर लो, सब में एक ही तरह की प्रॉब्लम आती है, वो है प्रॉब्लम मॉपिंग स्टिक का। या तो इसका लॉक टूट जाएगा या तो ये डंडा टूट जाएगा, तो प्रॉब्लम इसी में आती है। बाकी जो है बकेट एकदम ठीक कंडीशन में रहती है, प्रॉब्लम बस मॉपिंग स्टिक में आते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है वही मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, नॉर्मल शॉप्स होती हैं वहाँ पे आपको जो है ये बकेट मिल जाती है, बट मॉपिंग स्टिक नहीं मिलती है। मॉपिंग स्टिक होती है वो किसी भी दुकान में मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बकेट की कंडीशन तो सही रहती है बट मॉपिंग स्टिक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट में, दुकानों में। आप क्या चाहते हो कि बस स्टिक मिल जाए, क्योंकि स्टिक का ही काम है, बाकी बकेट तो हमारी फर्स्ट क्लास है, एकदम काम करने लायक है, तो हम फिर से बकेट लेने में पैसे खर्च क्यों करें। तो उसका एक सॉल्यूशन है, मेरा भी रॉड ख़राब हो गया था तो मैंने अमेज़ॉन से न्यू स्टिक मंगाई है, जिसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। पहले जो है अमेज़ॉन में बहुत सारी मॉपिंग स्टिक मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 250 टू 1000 के करीब पर मैंने देखा है। और मैंने ये वाला जो स्टिक है, मैंने कई और भी अपने मतलब फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था, उसने लिया था, उसने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, उसका अभी तक ठीक ठाक है। तो जो नॉर्मल जो होती है स्टिक 150-250 की रेंज में, उसमें भी क्या होता है ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो लॉक ख़राब हो जाता है या तो उसका डंडा टूट जाता है। तो आप 200-250 के डंडे से अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा 100-200 रुपये और खर्च करके एक अच्छा सा स्टिक ले सकते हो, जो आपका एटलीस्ट साल भर तो चले। तो मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टिक मंगवाया है, बॉक्स करके दिखाती हूँ, और उसका फाइबर भी बहुत अच्छा है, और वो जो है इस वाले पोंछे से बड़े साइज में है, बट वो इसमें फ़िट हो रहा है। तो वो वाला मॉपिंग स्टिक आपका किसी भी बकेट में फ़िट हो जाएगा, वो इससे बड़ा है बट वो इस बकेट में आराम से ईजिली फ़िट हो जा रहा है। और उसको अनबॉक्स करके और इसमें फ़िट होके फ़िट करके आपको दिखाती हूँ, उसका साइज़ जो है वो इससे बड़ा है। जो अमेज़ॉन से पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से इसके साथ ये आया है। और इसका जो माइक्रोफाइबर ये है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हो। और इसका जो है ये 360 डिग्री ये ऐसे रोटेट हो सकता है, अच्छी क्वालिटी का है। इसके साथ आई है दो रॉड, और इसमें मिला इंस्ट्रक्शन कार्ड, इसमें देख के आप इसमें असेंबल कर सकते हो, वैसे असेंबल करना बहुत इजी है। ये वाला इसमें जाएगा, और ये एक मिनट से कम टाइम में पूरा असेंबल हो गया। चलिए अब इसको यूज करके देखते हैं। इसका जो लॉक है, इसका जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो इसका स्टेनलेस स्टील का रॉड है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो ये अच्छा चलेगा। फिर बेस्ट ऑप्शन है अगर आपका मॉपिंग स्टिक टूट गई हो तो ये वाला ज़रूर लेके आइए। ये जो पर्टिकुलर ब्रांड मैंने यूज़ किया है वो है एस्क्वायर, और ये एस्क्वायर का मॉप है, और इसका जो प्राइस है वो है ये
इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि ये किसी भी बकेट में फिट आ जाते थे, इस वजह से खास और इसके रिव्यूज़ जो हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, आपको बार बार बकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मॉपिंग स्टिक लेके अच्छी क्वालिटी का काम चला सकते हो। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरह से घर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।